जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। आज का लेक्चर शुरू करें मन प्रयोग परिणति पद, जो कल हमने मन वचन काया तीनों के उपयोग के ऊपर जो टॉपिक आया था, इसमें परिणति पद में मन प्रयोग। प्रयोग परिणति हम खुद करते हैं, बराबर बराबर। तो मन प्रयोग तो हमेशा प्रयोग परिणति रहने वाला है। मन, हाँ। ऐसा तो होगा ही नहीं कि मन नहीं है और हम कुछ काम कर रहे हैं, बराबर बराबर। बिना इच्छा, बिना मन के हम कोई कुछ सोच ही नहीं पाएंगे और बिना सोचे उसको बोल भी नहीं पाएंगे और बिना बोले उसको कर भी नहीं पाएंगे, राइट? तो मन वचन काया के जितने भी उपयोग है वो सारे प्रयोग परिणत है, ये पहले याद रखना है। क्योंकि ये जो विसर सा बंद नहीं है, बराबर। जिनको मन नहीं है उनका विसर सा बंद आएगा, लेकिन जिनका मन है, जो संगनी है, संगना बुद्धि वाले हैं, वो तो सारे प्रयोग परिणति में आ जाएंगे ना। हाँ हाँ। तो मन प्रयोग परिणत है, तो क्या सत्य मन प्रयोग परिणत है? मन प्रयोग परिणत है। हम मन से प्रयोग करके सारी चीज सोच सकते हैं, पर क्या वो हमेशा सत्य ही होता है? नहीं नहीं, सत्य भी हो सकता है, मृषा भी हो सकता है। सत्य मृषा दोनों, सच्चा झूठ दोनों भी हो सकता है, और पूरा का पूरा झूठ झूठ ही हो सकता है, बराबर बराबर। हाँ, या तो सत्य हो या फिर झूठ हो, मृषा हो मिथ्यात हो, या तो सम्यक हो या मिथ्यात हो। तीसरा सम्यक मिथ्यात्व मिश्र हो, या फिर सत्य भी ना हो और सम्यक भी ना हो, बराबर बराबर। तो इस प्रकार से इसकी चतुर्भंगी होती है। तो यहाँ सत्य मन परिणत है, तो आरंभ सत्य मन भी परिणत है, अनारंभ सत्य मन भी परिणत है, और समारंभ सत्य मन भी परिणत है, असमारंभ सत्य मन भी परिणत है, राइट राइट। हाँ बराबर। तो सत्य मन प्रयोग में ये चारों भंगा आ गया। अब उसके बाद वचन प्रयोग परिणति, वचन भी प्रयोग है। बिना सोचे बिना समझे आप कोई चीज बोलोगे नहीं, बराबर। हम जब तक हम कुछ सोचे नहीं, कुछ समझे नहीं, हम कुछ बोलेंगे ही नहीं। बिना सोचे आप कोई शब्द प्रयोग करोगे भी नहीं। शब्द प्रयोग करने से पहले आपकी बुद्धि, जो संगना बुद्धि है, उसके अंदर आपने उसका फायदा गैर फायदा कैसे करेंगे, अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, सारे प्लान करने के बाद आप बोलते हो। तो बोलना हमेशा वचन परिणत है, प्रयोग परिणत। सत्य वचन प्रयोग परिणत है या मृषा वचन परिणत है, तो वो भी मन प्रयोग की तरह ही आएगा। वचन प्रयोग परिणत भी मन प्रयोग की तरह ही आएगा। तो उसकी भी चतुर्भंगी थी ऐसे ही इसकी भी, कि मृषा वचन प्रयोग परिणत, फिर नहीं सत्य, हाँ सत्य वचन प्रयोग परिणत, मृषा वचन प्रयोग परिणत, सत्यामृषा वचन प्रयोग परिणत, और असत्यामृषा, ना झूठ ना सत्य ना कुछ नहीं, कुछ भी नहीं बोलना। तो ये सारे प्रयोग परिणत वचन से भी आएंगे, और ये सारे प्रयोग परिणत काया से भी आएंगे। तो काय प्रयोग परिणति में क्या क्या आएगा? अच्छा, काय प्रयोग परिणति में तो वापस वो पांचों शरीर आएंगे ना। हाँ, औदारिक शरीर, फिर वैक्रिय शरीर, आहारक शरीर, तेजस और कर्मण, पांचों के पांचों शरीर आएंगे काय परिणति में। तो काय परिणति में यहाँ क्या क्या लिया है? तो परमात्मा कह रहे गौतम, औदारिक शरीर काय प्रयोग परिणत है, और वहां से लेके वैक्रिय शरीर भी काय प्रयोग परिणत, लेकिन औदारिक के बाद औदारिक मिश्र भी आएगा, आएगा ना। औदारिक शरीर पहले आएगा, फिर औदारिक मिश्र आएगा। अब औदारिक मिश्र में औदारिक के साथ वैक्री का भी जिनको लब्धि है वो दोनों मिश्र करेंगे, तो दोनों मिश्र ही होगा कि नहीं? हाँ। ऐसे ही वैक्रिय शरीर के साथ वैक्रिय मिश्र भी आएगा। हाँ, तो वैक्रिय शरीर वैक्रिय मिश्र शरीर, आहारक शरीर तो आहारक मिश्र शरीर, बराबर। तो छह तो वही हो गए। हाँ।
हाँ, और सातवां है कर्म शरीर, यानी कि कार्मण शरीर प्रयोग। तो ये सात आप ले सकते हो, जो मतलब आप सातों को बना सकते हो, प्रयोग कर सकते हो, राइट। रही बात तेजस, तो वो तो अपने आप आत्मा के साथ जुड़ा हुआ ही रहने वाला है। तेजस के बगैर तो आत्मा जन्म लेगा ही नहीं, तो तेजस आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, तेजस आत्मा के साथ होता ही है, बराबर। बराबर। संसारी प्रत्येक जीव के साथ तेजस शरीर होता है, कार्मण शरीर भी निकल जाता है एक बार, लेकिन तेजस शरीर तो रहेगा ही। कार्मण कार्मण भी कब निकलेगा, जब वो केवली बन के लास्ट जो होता है ना उनका समुद्घात, पांच ह्रस्वाक्षर तक ही वो अयोगी केवली है, वो पांच ह्रस्वाक्षर तक का समय जो अयोगी केवली का है, वहां ही आप कार्मण शरीर के बगैर हो, पर वहां तेजस तो है ही आपके साथ, समझ में आया। अंतिम समुद्घात के बाद जब आप केवली अयोगी केवली बन गए, मतलब आठों कर्म घाती कर्म का क्षय हो गया, उसके बाद खाली पांच रस्वाक्षर समय बोली आप बोलो, उतना ही उच्चार करो, ओम, पांच रस्वाक्षर आ गए ओम में, अ उम बराबर, अ उम, ऐसे पांच शब्द आ जाते हैं। ये पांच शब्द बोलने प्रमाण जितना समय ही आप बिना कार्मण शरीर तेजस शरीर और आत्मा है, समझ में आया। हाँ। क्योंकि केवली बन चुके हो, अयोगी केवली, अब तो अयोगी भी बन गए, सयोगी थे उसके बाद आयुष्य खत्म किया, आयुष्य खत्म होने को आए हैं, थोड़ा समय ही बाकी है, 8 समय, और आप केवली समुद्घात कर रहे हो, और जो अघाती चारों बाकी है जितने पूरे करने का, वो 8 समय के दरमियान आप उसको पूरा कर रहे हो, बराबर। अब आप हो गए अयोगी केवली, मतलब बिल्कुल कार्मण शरीर उतर गया, तो अब यहाँ आपके पास खाली आत्मा और तेजस शरीर दो ही है, तो तेजस शरीर है तभी आप वो पांच ह्रस्वाक्षर प्रमाण बिना कार्मण शरीर उतने समय तक रह पाओगे, बराबर। क्योंकि आपको तेजस शरीर तो आपके साथ ही जुड़ा रहने वाला है कि नहीं, हाँ हाँ वो रहने वाला ही है। तो पांच रस्वाक्षर समय जितना समय अब निकल जा गया, अब अयोगी केवली बन चुके हो, तो अब आप जब सिद्ध गति में जाओगे तब आत्मा अकेला जाएगा, है ना। हाँ हाँ, तो काय कार्मण शरीर ही प्रयोग परिणत, इसलिए तेजस शरीर को प्रयोग परिणत नहीं बोला है, समझ में आ गया। हाँ हाँ, खाली कार्मण को ही बोला। तो आओ, तो अब जो प्रयोग परिणत हमारे 7 शरीर हुए, तो काय योग से 7 भेद आए। हाँ हाँ जी, चलो। तो अब एकेंद्रिय औदारिक शरीर काय प्रयोग परिणत, बे इंद्रिय औदारिक शरीर काय प्रयोग परिणत, ते इंद्रिय औदारिक शरीर काय प्रयोग परिणत, चौरिंद्रिय औदारिक काय प्रयोग परिणत, और पंचेंद्रिय औदारिक शरीर काय प्रयोग परिणत, ये 5 आ गए। अब संगनी पंचेंद्रिय भी आएगा, आएगा ना, हाँ आएगा। आओ, अब उसके बाद पृथ्वी कायिक आएगा, पृथ्वी कायिक एकेंद्रिय औदारिक, अब पृथ्वी काय में अपका एकेंद्रिय औदारिक आएगा ना, सूक्ष्म पृथ्वी का एकेंद्रिय औदारिक आएगा, बादर पृथ्वी का एकेंद्रिय औदारिक वो भी आएगा आएगा आएगा। तो औदारिक में सब आ जाएंगे, बराबर। सूक्ष्म में तो निगोद विगोद सब शरीर, लेकिन है तो औदारिक ना, दारिक। हाँ यस, तो वो भी आएंगे, ठीक है। तो सूक्ष्म पृथ्वी काय के केंद्रीय औदारिक शरीर काय प्रयोग भी परिणत है, ठीक है। तो क्या पर्याप्त, सूक्ष्म पृथ्वी काय के केंद्रीय औदारिक शरीर काय प्रयोग भी परिणत है। परमात्मा कह रहे कि वह पर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वी काय के केंद्रीय औदारिक शरीर काय प्रयोग परिणत है, पण अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वी का ही केंद्रीय औदारिक शरीर भी काय परिणत है, समझ में आ गया। पर्याप्त भी है, अपर्याप्त भी काय परिणत, क्योंकि खाली तेजस शरीर के अलावा सारा काय प्रयोग परिणत है। वनस्पति काय के 4 भेद आ गए, अब बेइंद्रिय तेइंद्रिय चौरिंद्रिय के भी 2 भेद आ गए, पर्याप्त अपर्याप्त आ गए ना। हाँ, तो इस प्रकार से औदारिक शरीर काय प्रयोग में ये सब आ जाएंगे,
पर्याप्तता और अपर्याप्तता भी। आओ आगे जाएंगे। अब तिर्यक योनि के पंचेंद्रिय की बात की है। तिर्यक योनि के पंचेंद्रिय और औदारिक शरीर भी क्या काय प्रयोग परिणत है? जलचर वाले जो तिर्यंच है वो भी औदारिक शरीर ही काय प्रयोग, और स्थलचर वाले भी औदारिक शरीर ही काय प्रयोग, बराबर। तो परमात्मा ने भी कहा है कि ये सारे चार चार भेदों की बात की है, वो भी औदारिक शरीर काय प्रयोग परिणत है। तो औदारिक शरीर ही सब काय प्रयोग परिणति आएगा, बराबर। हाँ, और अब वैक्रिय शरीर की बात की है तो उसमें भी एकेंद्रिय वैक्रिय शरीर काय प्रयोग भी है, क्योंकि वायु काय वाले वैक्रिय शरीर करते हैं ना, और दूसरे भी तिर्यंच हैं ऐसे एकेंद्रिय जो वैक्रिय काय शरीर करते हैं। समझ में आया? ये वनटोल और सब जब उड़ता है ना, वो सारे वायु काय और वो सारे वैक्रिय शरीर करते हैं अपना। वायु का एक इंद्रिय वैक्रिय शरीर, अवायु का एक इंद्रिय वो ही परिणत है, अवायु का एक इंद्रिय वैक्रिय शरीर परिणत नहीं है। मतलब खाली वायु का एक ही परिणत है, बाकी कोई वैक्रिय नहीं बनाएगा, ठीक है, इसको याद रखना। खाली वायु का जो एक इंद्रिय ना वो ही अपना शरीर वैक्रिय कर सकता है, बाकी नहीं, याद रहेगा ना। अब वैक्रिय मिश्र की बात की, एकेंद्रिय मिश्र शरीर की बात की, एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय मिश्र शरीर। तो जैसे वैक्रिय की बात की है वैसे ही वैक्रिय मिश्र भी आएगा, ठीक है। देव और नारकी के अपर्याप्त जो है और बाकी के शेष के पर्याप्त, सर्वासीद अनुत्तर उपातिक आदि देव विमान के भी पंचेंद्रिय जो देव हैं वो वैक्रिय मिश्र शरीर दोनों काय प्रयोग परिणत नहीं है उनका, लेकिन अपर्याप्त सर्वासीद अनुत्तर उपाति देव पंचेंद्रिय के काय प्रयोग परिणत है, जो अपर्याप्त है ना उनके, क्योंकि अपर्याप्त से पर्याप्त तक तो उनको लाना पड़ेगा कि नहीं, बनाना पड़ेगा कि नहीं। हाँ, उनको बनाना पड़ेगा, और अपर्याप्त बनने के बाद अब वापस पर्याप्त में तो वो जाएंगे नहीं, तो पर्याप्त हो चुका है मतलब अब उन्होंने वैक्रिय जो प्रयोग परिणत है वो बनाना छोड़ दिया। अब छोड़ दिया, छोड़ने के बाद तो परिणत माना नहीं जाएगा ना। हाँ, तो हमने इसीलिए आहारक वैक्रिय, आहारक मिश्र, आहारक आहारक मिश्र, वैक्रिय वैक्रिय मिश्र, ये दोनों जाना। अब हम कार्मण शरीर की बात करेंगे, कार्मण शरीर काय प्रयोग। तो एकेंद्रिय शरीर में कार्मण एकेंद्रिय कर्म शरीर प्रयोग परिणत है, तो भगवान कह रहे हैं कि हाँ वो प्रयोग परिणत है। एकेंद्रिय का भी कर्म शरीर काय प्रयोग परिणत है, बेन्द्रिय का भी कर्म शरीर प्रयोग परिणत, तेन्द्रिय का, चौरिंद्रिय का, पंचेंद्रिय का, सबका सबका जो शरीर है वो प्रयोग परिणत है, ठीक है। अपर्याप्त की बात की है तो अपर्याप्त सर्वार्थ सिद्ध अनुत्तर उपातिक और कल्पातीत वैमानिक देव पंचेंद्रिय कर्म शरीर भी काय प्रयोग परिणत है, ठीक है। तो जैसे प्रयोग परिणत जाना है ऐसे ही मिश्र परिणत भी हमको ऐसे ही जानना है, ठीक है। मिश्र में भी प्रयोग भी आएगा और बाय नेचर भी होगा, दोनों आएगा, आएगा ना। अब विसरसा परिणति जो बाय नेचर हो रहा है, विसरसा अपने आप, तो वो वर्ण गंध रस स्पर्श सब चीज में वो आता है, स्वाद में भी आ जाता है, स्पर्श में भी आ जाता है विसरसा, वो हमने कल देखा, वो स्वाद में भी आ गया है और विसरसा बंध में भी आ गया है। तीन द्रव्य की अपेक्षा से पुद्गल परिणति बनती है, तीन द्रव्य, बराबर। आओ
तो प्रयोग परिणति, दूसरा विश्र सा बंद और तीसरा मिश्र परिणति, बराबर ना? यही तीन था ना? हाँ। चलो अब दूसरा उद्देशक, पहला उद्देशक खत्म हुआ, दूसरा उद्देशक है आशी विष। आशी विष शब्द को हम समझेंगे, आशी विष है क्या? तो जात, उसके भी दो भेद है, जाति आशी विष और कर्म आशी विष। मतलब जाति से आप आशी विष हो सकते हो, कर्म से भी हो सकते हो। तो जाति से आशी विष के चार प्रकार, जैसे कि बिच्छू, बिच्छू, फिर मंडूक आदि यानी कि देड़का आदि, और उरग सर्प आदि, और मनुष्य जाति आशी विष। तो ये चारों मनुष्य, सर्प, वृश्चिक और सर्प और देड़का मंडूक, तो ये चारों में पॉइजन विष हो सकता है, और चारों अगर किसी को काटे तो वो मर सकते हैं, बराबर? चल, तो ये आशी विष का अर्थ है जहर, जहर भरा हुआ वो वृश्चिक भी हो सकता है, उसके डंक में जहर होता है। ऐसे देड़ के भी कुछ होते हैं मंडूक, जो जहरीले होते हैं, और उरग आदि, सर्प तो हम जानते ही हैं, और मनुष्य आदि, उसमें भी विष होता है। तो वृश्चिक जाति आशी विष का विषय देखेंगे। अर्ध भरत प्रमाण शरीर को अपने विष से व्याप्त और परिपूर्ण करने में समर्थ होते हैं। ये जो बिच्छू होते हैं ना, बिच्छू, अर्ध भरत प्रमाण शरीर, कितना शरीर उनका हो सकता है? अर्ध भरत मा यानी 256 योजन, सोचो आप, 265 योजन, 265 योजन, उतना ही वो अपना शरीर विष से व्याप्त कर सकता है। समझ में आया? हाँ, जिनको ऐसी सिद्धि प्राप्त होती है ना, वो अर्ध भरत प्रमाण अपना शरीर बनाता है। विषय व्याप्त और परिपूर्ण करने में वो समर्थ है। ये विषय विष की शक्ति की दृष्टि से बताया, विष की शक्ति की दृष्टि से। हाँ, मंडूक जाति, मंडूक यानी जो देड़का होते हैं वो, तो मंडूक जाति भी पूरा भरत प्रमाण शरीर को अपने विषय व्याप्त और परिपूर्ण कर सकते हैं, पूरे भरत यानी कि 526 योजन। आप सोचो कि इतने बड़े बड़े मंडूक आपको मिलेंगे। उसके बाद उरग जाति, जो सर्प है वो, उरग जाति आशी विष, पूरे जम्बू द्वीप प्रमाण 1,00,000 योजन, 1,00,000 योजन प्रमाण शरीर को विष से व्याप्त और परिपूर्ण कर सकता है। तो अब ये मारेंगे कितने को, सोचो तो। अब मनुष्य जाति, तो ये पूरे समय क्षेत्र यानी 2.5 द्वीप प्रमाण शरीर, मनुष्य जाति 2.5 द्वीप प्रमाण अपना शरीर, मतलब 45,00,000 योजन हो गया। उतने बड़े अपने शरीर को विष से व्याप्त और परिपूर्ण करने में समर्थ है, ठीक है? ये उनकी शक्ति की बात है। हाँ, ऐसा अभी तक हुआ नहीं है या किया नहीं, अक्षरा कभी हो सके तो पता नहीं। तो कर्म आशी विष है, तो क्या नारकी के जीव कर्म आशी विष है, तिर्यक योनि के जीव कर्म आशी विशेष है, मनुष्य के हैं या देव के हैं? तो भगवान कह रहे हैं नारकी के जीव कर्म आशी विष नहीं है, बराबर? नारकी में ऐसे कोई आशी विष जीव नहीं है। तिर्यंच योनि कर्म आशी विष भी है, मनुष्य कर्म आशी विष भी है, और देव कर्म आशीष भी है। देखिए इसमें आपको समझना क्या है, पता है, नारकी के जीव बिल्कुल पराधीन है, राइट? वो कुंभी के बाहर तो आ ही नहीं पाएंगे, अपनी अपनी नरक पृथ्वी या कुंभी के बाहर तो आ ही नहीं पाएंगे, तो कहां से 1,00,000 योजन का शरीर बनाएंगे, सोचो, बना पाएंगे? नहीं। तो जो जमीन ऊपर रह रहे वही बना पाएंगे ना? आज जम्बू द्वीप प्रमाण शरीर अगर कोई मनुष्य कर पाए तो वो 2.5 द्वीप में ही जाके बनाएगा, 8,00,000 योजन वाले में जाके बनाएगा ना 1,00,000 का शरीर? हाँ। समझ में आ रहा है? छोटी जगह में तो 1,00,000 का शरीर बना नहीं पाएगा। नहीं। हाँ।
अब तिर्यन योनि की बात की, तिर्यन योनि में कर्म आशी विष है, तो क्या एकेंद्रिय तिर्यन योनि कर्म आशी विष से लेके पंचेंद्रिय तिर्यन कर्म आशी विष है? भगवान कह रहे एकेंद्रिय तिर्यन योनि कर्म आशी विष नहीं है, ठीक है। एकेंद्रिय में कर्म, एकेंद्रिय में जो तिर्यन योनि है मतलब पृथ्वी अब वायु तेउ और वनस्पति, वो आशी विष नहीं है। और चतुर इंद्रिय तिर्यंश तक भी आशीविष नहीं है, पंचेंद्रिय तिर्यंश योनि जरूर आशीविष है। समझ में आया? तो जो आशीविष है तिर्यंश तो वो पंचेंद्रिय ही है। तो यहाँ जो हमको देड़का और बिच्छू और सर्प बताए हैं तो वो पंचेंद्रिय ही होंगे ना? हाँ। है ही ना? है। हाँ, इसीलिए वो हो सकते हैं। बाकी एक इंद्रिय से लेके चौर इंद्रिय तक कोई आशी विष नहीं बन सकता। पर्याप्त संख्यात वर्ष आयुष्य वाले गर्भावक्रांतिक पंचेंद्रिय तिर्यंश योनि कर्म आशी विष है। पर्याप्त संख्यात यो वर्ष आयुष्य, अब जो भी इतने बड़े बड़े तिर्यंश और उसमें जो होंगे बिच्छू और वो जो आशी विष बनने की ताकत, तो लंबी आयु वाले होंगे संख्यात वर्ष की, है ना? और अपर्याप्त संख्यात वर्ष आयु वाले तिर्यंश आशी विष नहीं होते हैं। अपर्याप्त तो बहुत थोड़े समय के लिए रहेगा। तो अपर्याप्त जीव होने के कारण उस अगर उसने पर्याप्ति नहीं प्राप्त की तो वो काम भी नहीं कर पाएगा। बराबर बराबर। और जब तक पर्याप्त भी अपना शरीर नहीं बना लेता काम नहीं कर पाएंगे, है ना? समूर्छित मनुष्य कर्म आशीविष नहीं है। समूर्छित मनुष्य की बात की है, वो आशीविष नहीं होते हैं। उसके बाद मनुष्य पंचेंद्रिय वैकरी शरीर की वक्तव्यता है। अपर्याप्त संख्यात वर्ष आयु वाले आशीविष नहीं है, वो तो हमने अभी जान लिया। यदि देव कर्म आशीविष है तो क्या भवनपतिवासी देव हैं? हाँ, भगवान कह रहे हैं भवनपतिवासी देव आशीविष हो सकते हैं, ठीक है। वाण व्यंत, इसीलिए आप देखो जो नागकुमार देव है वो सारे कितने लोगों को मार डालते हैं, बड़ा बड़ा रूप लेके मारते कि नहीं? हाँ, तो वो आशीविष हो गए ना, बड़े बड़े रूप लेकर आते हैं तो हो गए ना। भवनपति देव कर्म आशीविष है। अब भवनवासी देव है तो ज्योतिष और वैमानिक भी आशीविष है। तो भगवान कह रहे असुर कुमार भवनवासी देव कर्म आशीविष भी है, लेकिन स्तनित कुमार भवनवासी देव कर्म आशीविष नहीं है। समझ में आया? असुर कुमार भवनपति देव उनकी बात की है, तो असुर कुमार भवनपति देव कर्म आशीविष नहीं होते। नहीं तो अगर वो आशीविष होते तो कितना लोगों को मार डालते, बोलो। भगवान कह रहे ना कि ऐसा हुआ नहीं है, खाली शक्ति से बोला है। तिर्यंश के अंदर उतनी शक्ति होती है लेकिन ऐसा आज तक हुआ नहीं है, ऐसा बोला भगवान ने। अब आप ये सोचिए कि असुर कुमार अगर ये शक्ति वाले होते तो अब तक तो कितनों को मार चुके होते ना, थोड़ी शांति से बैठे होते, बोलो। हाँ, क्योंकि वो तो अपना रूप बदल बदल कर कुछ भी कर सकते। पर्याप्त असुर कुमार भवनपति देव कर्म आशीविष है, नहीं है। बराबर। पर्याप्त असुर कुमार भवनपति वासी देव नहीं है, अपर्याप्त असुर कुमार देव जरूर कर्म आशीविष है।
ठीक है, सनत कुमार की बात की है अभी, वैमानिक देव वैमानिक देव कल्पोपन्न वैमानिक देव कर्मा आशीविश है, और कल्पातीत ऊपर के वो कर्मा आशीविश नहीं है, नीचे के देव जो पृथ्वी पर आ सकते हैं ना वो आशीविश है। समझ में आया? अब जिनको अपना कल्प ही नहीं छोड़ना है वो आशीविश कैसे हो सकते हैं बताओ? किसी को मारने जाएंगे क्या कभी भी? जिनको मारने ही नहीं जाना है वो आशीविश हो ही नहीं सकते, बराबर है ना? पर्याप्त स्वधर्म कल्पो प्रपन्न वैमानिक देव कर्म आशीविश नहीं होते, अपर्याप्त हो सकते हैं, क्योंकि पर्याप्त अपर्याप्त में से जब पर्याप्त बन गए तब तो फाइनल हो गया ना कि अब नहीं है। हाँ, हाँ, बनने के वक्त आप हो सकते हो। समझ में आया? आओ। इसी प्रकार पर्याप्त सहस्त्रार कल्प यानी कि बारहवें देवलोक तक वैमानिक देव कर्माशीविश नहीं होते हैं, तो उसमें अपर्याप्त हो सकते हैं। आओ, 10 पदार्थों को छद्मस्थ संपूर्ण रूप से ना जानता है ना देख सकता है। संपूर्ण ऐसे बोला गया है कि केवली भगवान हर एक चीज देख सकते हैं, पर छद्मस्थ कुछ कुछ अगर देख भी सकता हो ना तो भी 10 पदार्थ कभी नहीं देख पाता, बराबर? हाँ, तो वो 10 पदार्थ कौन से हैं? पहला है धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय बोलो, केवली छद्मस्थ छद्मस्थ धर्मास्तिकाय हम लोग देख सकते हैं क्या? धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय क्या है? खाली केवली भगवान देख सकते हैं, बराबर? छद्मस्थ नहीं। फिर आकाशास्तिकाय भी देख सकते हो आप, खाली आकाश देख सकते हो, अंदर अंदर क्या पड़ा है, किसका उसका बंधारण क्या है, उसके जीव अंदर आप सब देख सकते हो? नहीं। अजीव अंदर अजीव द्रव्य है तो कैसा है नहीं पता है ना? नहीं, नहीं। फिर शरीर, शरीर यानी कि जो मुक्त जीव है उसका शरीर, फिर परमाणु पुद्गल जो एकदम छोटी सी कण है उसको भी नहीं देख सकते आप, शब्द गंध वायु वो, और ये परमात्मा होगा कि नहीं ये भी आप नहीं देख सकते, राइट? राइट। जीव किधर जाएगा आपको नहीं पता है, बराबर? ये सभी दुखों का अंत करेगा कि नहीं वो भी नहीं पता है। फिर उत्पन्न ज्ञान दर्शन के धारक, जो ज्ञान दर्शन उत्पन्न हुआ है जो आपने धारा है वो भी आप नहीं देख सकते हो। अरहंत जीन केवली उनको संपूर्ण रूप से जानते देखते हैं, अरियन देख सकते, जीन देख सकते, केवली देख सकते, बराबर? तो ये 10 चीज है, धर्मासिका है, धर्मासिका है, आकाशस्तिका है, शरीर, फिर शरीर मुक्त जीव, परमाणु पुद्गल, शब्द गंध वायु, और जीन होगा कि नहीं और सब दुखों का अंत करेगा कि नहीं, इतना वो देख सकता है। अब ज्ञान पद की बात की है, उसके बाद कौन सा पद? ज्ञान किसको मिल सकता है बोलो, किसको मिल सकता है? सभी जीव को मिलेगा ज्ञान, बोलो? नहीं। संगनी पंचेंद्रिय, संगनी याद रखोगे खाली, बराबर? खाली संगनी पंचेंद्रिय, और संगनी में तो बहुत सारे आ गए, संगनी में तिर्यंच भी आ गए, संगनी में नरक भी आ गया, देव भी आ गया, आ गया ना? हाँ, और मनुष्य भी आ गए, चारों गति आ गई, तो चार में से एक का नाम लोगे कोई मतलब ही नहीं है आपको, उससे तो बढ़िया सम्यक दर्शन कह दोगे, संगनी कह दोगे तो सब आ गए। आओ, अभिनिबोधिक ज्ञान क्या है? अभिनिबोधिक ज्ञान ये हमने पहले किया हुआ है, फिर भी अभी याद कर लेते हैं। अभिनिबोधिक ज्ञान उसको कहते हैं जो आपको
मति के कारण प्राप्त हो, मति यानी बुद्धि, बराबर। कुछ देखो चीज और आपको याद आ जाए कि मैंने इसको कहीं पहले देखा, ये ऐसे ऐसे काम करना है, याद आ जाएगा ना। हाँ, वो हुआ अभिनी बुद्धि। अवग्रह, ईहा, अपाय और धारणा। पहले आप उसको अवग्रह, उसके अवग्रह में जाओगे, वहां तक पहुंचोगे, फिर ईहा सोचोगे कि ये मैंने कहीं देखा हुआ, ये है क्या। उसके बाद है अवाय। अवाय यानी कि ये यही चीज है, ऐसा कंफर्म करोगे, राइट। और अब धारणा में, मतलब अब कंफर्म हो गया, अब उसको याद रखोगे, मेमोरी में ले लोगे, तो धारणा आ गई। तो ये हुआ मति ज्ञान, मति यानी बुद्धि से जागृत। पहले आपको कुछ याद आएगा आधा आधा अधूरा कि अरे अरे ये तो मुझे पता है, ऐसा मैं जानती हूँ, ऐसा याद आए उसको मति ज्ञान कहेंगे, बराबर। हाँ, जैसे मैं ये जन्म में सच में ज्योतिष सीखी ही नहीं किसी से, मैं इससे पहले ही ज्योतिष बन गई किताब पढ़ पढ़ के। तो ये अभिनी बोधिक हुआ ना। अब अज्ञान की बात है, अज्ञान कितने प्रकार के, तो अज्ञान के तीन प्रकार। कितने? तीन प्रकार। तीन प्रकार अज्ञान, ये अज्ञान है, ये ज्ञान नहीं है, ये सम्यक नहीं है, ये मिथ्यात्व है। तीन प्रकार का, पहला है मति अज्ञान, जो मैं सोच रही हूं ना वो ही मैं संसार का सोचूं तो मति अज्ञान हो गया, और वही चीज मैं मुक्ति के लिए सोचूं जो सच है उसको मानूं तो ये सम्यक हुआ। हाँ। बस आपको ज्ञान तो एक ही है, वो या तो वो अज्ञान बन सकता है या वो सम्यक बन सकता है। ज्ञान का अर्थ ज्ञान ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है, समझ में आ रहा है। हाँ, अगर वो अज्ञान बना, अगर आपको वो कर्मबंध वाला हो, संसार में बांधने वाला हो, कषाय वाला हो, तो वो अज्ञान हो जाए, और संसार से मोक्ष कराने वाला हो, सत्य को बताने वाला हो, सत्य आप समझ पाओ, आपने पहले समझा हुआ, आपकी बुद्धि में सत्य बैठा हुआ हो, तो ही वो सम्यक बनेगा, समझ में आया। हाँ, तो अज्ञान की बात की यहाँ, मति अज्ञान, फिर श्रुत अज्ञान, मतलब सुन के, आप सुनने के बाद आपको, आप वो झूठ को ही पसंद करो सुनने के बाद। ये कैसे होगा पता है, अब जैसे टीवी में न्यूज आया कि भाई अभी ये जो चंद्रयान छोड़ा है वो ये ऑर्बिट में पहुंच गया है, और वहां से वो इसने इसने इतनी इतनी फोटो ली, तो जो भी ये देखेगा वो हर कोई ये फोटो और ये सब देखकर मान मान लेगा कि अरे हाँ देखो पृथ्वी तो हवा में ही है, और सारे के सारे ग्रह के ऊपर हवा में है, और यान वहां तक पहुंच गया चंद्र तक, और उसने सारे ये तस्वीर वस्वीर सब ले ली। मतलब ये भगवान कह रहे कि ये तो 780 योजन ऊंचा है, वहां पे कोई नहीं जा सकता, ये सारी बात गलत साबित हो गई, और आप ये मान भी लोगे, समझ में आया। तो ये सुना हुआ है ना, आपने तो जाके देखा ही नहीं। अब वो लोग क्या फोटो भेज रहे हैं आपको तो पता ही नहीं। नहीं। अब ये चंद्रयान हो सकता है कि ये 1100 योजन ऊंचे जो हिमवान पर्वत और उसके शिखर है, वहां से कहीं एक किसी एक के ऊपर जाके बैठा होगा, तो भी आपको मालूम नहीं। नहीं, आपको पता ही नहीं है। और वहां भी सारे शिखर तो रूपा के हैं, वो तो शिखर भी रूपा के हैं, तो आपको तो वो चंद्र का प्रदेश ही दिखेगा कि नहीं। हाँ। पॉसिबल है कि नहीं बताओ। पॉसिबल आप है। उतनी ऊंचाई पे जा रहे हो, हमारा हमारा जो एरिया है भरत क्षेत्र का, मुश्किल से 50 योजन तो वैताड़े पर्वत हुआ, हम तो 6-8 योजन तक खाली ऊंचाई में है, बराबर। तो वो 8 योजन के सामने 900 योजन ऊंचा हिमवान पर्वत, आप सोचो ग्रह नक्षत्र के भी ऊपर गया पर्वत हो, समझ में आ रहा है। ग्रह नक्षत्र तो उसके नीचे घूम रहे, तो आप वो पर्वत पे जाके कुछ चीज बिठा हो, उसके श्वेत शिखर के ऊपर जाकर आपको आपका ये यान आपने वहां जाकर अगर बिठाया हो, और आप वो पर्वत को ही चंद्र मान रहे हो, तो क्या समझ में आएगा बताओ। आप इतना मान सकते हो कि चलो ये आप इसको ऊंचाई तक छोड़ रहे हो और वहां ये सफेद है तो चंद्र ही है, पर आप ये तो सोचो कि वहां 4,000 देव उसको वहन कर रहे हैं, वो क्या आपका यान उधर बैठाने देगा। बोलो। नहीं, हाँ, उतने इतने 4,000 सामानिक देव उसके
16,000 वो रथ को खींचने वाले देव, वो क्या आपके विमान को उधर टिकने देगा क्या यान को? ये तो भरोसा हो सकता है कि ये भी नहीं है? बस बस आपको एक बार वो नहीं हो सकता है कि भाई ये कहीं तो जाके बैठा है, जगह तो है कहीं तो है, पर वो जगह क्या हो सकती है? तब आपको ये सोचना चाहिए कि भाई हजार हजार योजन ऊंचे पर्वत है सबके सब, और हमारे यहाँ से वो ज्यादा दूर नहीं है। आप इंडिया के उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव जाओगे ना, तो वो आपने 500 योजन क्रॉस किया तो और खाली 500 ही जाना बाकी रहा ना अभी आपको, उसे ज्यादा नहीं ना। तो आप उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव जा सकते हो तो उतना ही उत्तर ध्रुव से उल्टी तरफ जा सकते हो कि नहीं? जा सकते हो आप। और वो किसी भी एक पर्वत के शिखर के ऊपर जाने, आपने उसको मंगल की मिट्टी समझ ली हो या चंद्र का मैदान समझ लिया हो, तो कोई गलत फहमी आएगी बताओ? 100% पॉसिबल है, पॉसिबल है कि नहीं? मगर आपको ये समझना है कि सुनी हुई चीज है, ये सुनी हुई चीज है, साथ में ये भी सुनी हुई श्रुत ज्ञान है कि परमात्मा ने ये भी कहा है कि इतने हजार देव ये ग्रहों को खींच रहे, तो देवों में तो हमसे ज्यादा ताकत है कि नहीं है। वो तो हमारी किसी भी चीज को उल्टी पुल्टी कर सकते हैं, पूरे भरत क्षेत्र को बिगाड़ना और लोकपाल के देवों के हाथ का काम है कि नहीं? वो छठे आरे में पूरे भरत क्षेत्र का कबाड़ा करने वाले देव, तो क्या आपका अभिमान रहने देंगे उधर? नहीं। क्या पागल जैसी बात है, आप समझ रहे हो? हाँ। हाँ, ये भी सुना हुआ है, ये भी सुना हुआ है, पर सुने हुए में से कहीं तो भरोसा बैठेगा कि अरे कोई देव सामान्य थोड़ी ना है वो, बराबर? तो ये चीज को मान लेना, सुनी हुई बात को मान लेना। सम्यक क्या हुआ कि आप वो मानो, ये सम्यक है, सम्यक श्रुत ज्ञान है, भले वो सुना हुआ है, पर आपने ये सुना हुआ है कि प्रत्येक ग्रहों के साथ 16,000 देव उसके रथ को खींच रहे, ये मानोगे कि नहीं? हाँ। वो चंद्र खुद एक इंद्र है, चंद्र खुद एक इंद्र है, उसके 4,000 सामानिक देव है और 16,000 उसके जो रथ को खींचने वाले घोड़े के और हाथी के और वो रूप में देव है, तो वो देव कहाँ से आपका विमान टिकने देगा उसके ऊपर, आप इतना तो सोचो। तो ये हुआ आपका श्रुत ज्ञान, समझ में आ गया? ये सम्यक श्रुत ज्ञान, ठीक है? चलो, और विभंग ज्ञान, तो विभंग ज्ञान अवधि ज्ञान जैसा है कि भी आपको दिखाई दे, आप देख भी पाओ, लेकिन आप किसी भी चीज क्लैरिटी से ना देख पाओ, है ना? हाँ, अब दिखना तो सच है, लेकिन आधा दिखोगे तो गलत हो गया ना। जैसे वो शिव राजर्षि मुनि ने मान लिया 7 द्वीप और 7 समुद्र देखे, तो उन्होंने मान लिया कि भाई इतना ही है, तो ये हो गया विभंग ज्ञान, बराबर? हाँ, आओ। तो अभी मति अज्ञान की बात की, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो वो 4 प्रकार से पता चलेगा। पहला है अवग्रह, दूसरा है ईहा, तीसरा है अवय, चौथा है धारणा। तो अवग्रह क्या है पहले, मति ज्ञान में अवग्रह कैसे होता है? तो अर्थावग्रह व्यंजनावग्रह, मतलब किसी चीज का अर्थ समझो बुद्धि से और किसी चीज को उसके व्यंजन करो और फिर समझो। तो आप अर्थ को समझाने के लिए तो आप अपने मति ज्ञान का उपयोग कर सकते हो ना। हाँ, बराबर। तो उसका अर्थ समझो, फिर उसको वो जगह पे लेकर गोठाओ। जैसे पहले ये अर्थ समझा कि भाई आप ऐसे मानो मत, बहुत सारे देव हैं जो चंद्र और सूर्य, चंद्र के विमान को भी लेके चल रहे हैं और मंगल ग्रह के विमान को भी लेके चल रहे हैं। ये आपने ये उसका अर्थ किया, बराबर? बराबर। अब आप उसका जो व्यंजन है वो करो, व्यंजन आग्रह, व्यंजन अवग्रह। मतलब आप अभी ये सोचो, जैसे अभी ये सोचा कि अरे ऐसे हिमवान पर्वत के कूट के ऊपर भी जाकर वो बैठ सकता है, क्योंकि वहां तो कोई देव नहीं है ना। नहीं, समझिए, वहां है हिमवंत कुमार देव, पर वो शिखर या उसकी एक छोटे से शिखर पर जाकर आपने कुछ चीज भेज दी है, तो वो तो वहां तक पहुंचेगा तब पहुंचेगा, उसके ध्यान में सब चीज तो आने वाली नहीं है, बराबर?
हाँ, पर ये तो जो लेके जा रहे हैं ये इंद्र है, वो थोड़ी किसी भी चीज को अंदर आके बैठने देंगे, बैठने देंगे क्या? नहीं वो नहीं बैठने देंगे। चल तो ये हुआ व्यंजन अवग्रह, ठीक है। चल अब है धारणा, तो धारणा की क्या हुई? अब आप धारणा करो क्या सच है, बोलो। तो आप सत्य को धारोगे तो वो धारणा हो गया। हाँ हाँ तो वो है धारणा। अगर आपने गलत धार लिया तो वो श्रुत अज्ञान हुआ, मति अज्ञान हुआ, और आपने सही चीज धार ली तो वो श्रुत ज्ञान हुआ, ठीक है। तो अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि, स्वच्छंद बुद्धि और मति, वो क्या सोचेंगे बोलो? वो ये सोचेंगे ना कि भाई ये जो कह रहे हैं वो सच है, बराबर। इन लोगों ने मंगल ग्रह को कब्जे कर लिया, चंद्र को कब्जे कर लिया, परमात्मा कह रहे ऐसा कुछ नहीं है, आकाश में ही है सब, वो दिखता नहीं है, ऐसा भी मान लोगे, है ना? हाँ आओ चलो आगे जाऊं, समझ में आ गया? हाँ आओ। जीवों का ज्ञान अज्ञानत्व, ज्ञानत्व अज्ञानत्व, अरे उससे पहले विभंग ज्ञान बाकी रह गया। विभंग ज्ञान, अनेक प्रकार से विभंग ज्ञान आएगा, अनेक प्रकार, एक प्रकार नहीं है उसका। क्या क्या प्रकार है उसके? ग्राम संस्थित, गांव के आकार। देखो कुछ आपको आकार दिखाई दे, विभंग ज्ञान में तो दिख रहा है, राइट? अवधि ज्ञान जैसा है, कुछ एरिया, कुछ समय, कुछ आपको दिखता है। तो विभंग ज्ञान में आप कुछ देख सकते हो, ग्राम संस्थित, जैसे कि कोई गांव का आकार हो, आपको लगे ये गांव का आकार है, लेकिन आगे जाओ तो वो आकार दिखे ही नहीं, कुछ और ही हो, लंबा सा डंडा भी हो, लेकिन दूर से तो वो गोल बिंदु ही दिखाई देगा ना, कुछ भी बोलो। हाँ आप अगर किसी बड़ी से बड़े से वाहन को देखो किनारे से, दूर से दिखे तो बिल्कुल पतला सा डॉट दिखाई देता है पहले, राइट? धीरे धीरे आप वो और आगे आएगा, और आगे आएगा तो उसका लंबा सा ऊपर डंडा दिख रहा है अभी आपको, और उसके ऊपर सर्ड की तरह वो कपड़ा बांधा हुआ है, राइट? राइट तो पहले वो सर्ड की तरह कपड़ा बांधा हुआ, दूर से तो बिंदु ही दिख रहा था ना गोल। हाँ हाँ तो ये विभंग ज्ञान हुआ। हाँ विभंग ज्ञान ऐसे होता है, जो चीज है आकार वो आप अलग अर्थ से उसको समझो, बराबर। आओ तो इसमें कौन कौन से आकार आएंगे? नगर संस्थित, फिर सन्निवेश संस्थित, फिर द्वीप संस्थित, एक द्वीप जैसा लगे, उसके बाद समुद्र जैसा लगे, वर्ष जैसा लगे, भरत क्षेत्र आदि आकार लगे, वर्षधर जैसा लगे, हिमवन पर्वत जैसा पर्वत लगे, जो अभी मैं कह रही हूँ कि भी आपने रख दिया, आप समझ रहे हो ये ग्रह की पृथ्वी है, पर निकले हिमवान की पृथ्वी, बराबर। पृथ्वी तो है पर कोई भी निकले, ठीक है। तो पर्वत संस्थित, वृक्ष संस्थित, स्तूप संस्थित, हय संस्थित, हय यानी घोड़े का आकार, फिर गज संस्थित, नर संस्थित, किन्नर संस्थित, किम पुरुष संस्थित, महोरग संस्थित, गंधर्व संस्थित, वृषभ संस्थित, पशु संस्थित, मृगाकार संस्थित, विहग यानी कि पक्षी संस्थित, ठीक है, और वामन संस्थित यानी कि एकदम छोटा आकार। तो ऐसे अलग अलग आकारों से विभंग ज्ञान कहा गया है, बराबर। बराबर समझ में आ गया? मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और विभंग ज्ञान, हाँ ये सब हमको गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। अब आओ जीवों का ज्ञानी अज्ञानी तत्वपद। अब जीव ज्ञानी है या जीव अज्ञानी है वो तय कैसे करोगे? तो यहाँ भगवान कह रहे हैं भी दोनों होता है, जीव में ज्ञानी भी है और अज्ञानी भी है। जो ज्ञानी है उसको संसार का ज्ञान है, तो वो मोक्ष की दृष्टि से अज्ञानी हो गया, हाँ।
अच्छा, और जो मोक्ष चाहता है, जो यहाँ से जाना चाहता है, तो लोग उसको पागल समझेंगे कि यार अभी जो है उसकी मजा नहीं ले रहा है, और अभी से वो देखो शरीर वरीर छोड़ के दीक्षा लेके बैठा हुआ है, करोड़ों की संपत्ति छोड़ दी और दीक्षा लेके बैठा है, जो है उसका एंजॉय नहीं कर रहा है, तो अज्ञानित्व हो गया। ठीक है, तो जो ज्ञानी है उनमें कुछ दो ज्ञान भी होगा या तीन ज्ञान भी होगा, कुछ चार भी होगा, बराबर। और जो अज्ञानी है, लता बेन क्लास चाले जो पछी करूं, अब जो अज्ञानी की बात चल रही है तो हम अज्ञानी की भी बात करेंगे। तो अज्ञानी जो है उनमें कुछ दो अज्ञान वाले या कुछ तीन अज्ञान वाले, बराबर। मति अज्ञान और श्रुत अज्ञान तो दोनों अज्ञान हो गए ना, और विभंग अज्ञान सबको तो होगा नहीं, अवधि अज्ञान सबको तो होगा नहीं, बराबर। वो सबको नहीं होने वाला अवधि अज्ञान, तो तीन अज्ञान किसी किसी को होगा, लेकिन दो अज्ञान तो बहुत सारों को होगा कि नहीं। हाँ होगा, तो इसीलिए दो अज्ञान वाले भी होंगे और तीन अज्ञान वाले भी होंगे, बराबर। अब असुर कुमार की बात की, असुर कुमार कैसे है, ज्ञानी है या अज्ञानी? तो जैसे नरक के मामले में बताया वैसे ही तीन ज्ञान नियम से होते हैं, यहाँ तीन अज्ञान की भजना, अज्ञान होंगे भी या नहीं भी लेकिन तीन ज्ञान जरूर होंगे, बराबर। इनको तीन ही ज्ञान, तीनों ज्ञान होता है, मति श्रुत और अवधि। तो अवधि कभी ज्ञान हो गया तो ये ज्ञान, और किसको अज्ञान हो गया मिथ्यात्वी है तो अज्ञान भी तो आएगा ना उसको, इसी चीज को गलत समझना, वो ही हो गया मिथ्यात्व। आओ आगे, पृथ्वी काय की बात की है, बोलो पृथ्वी काय कैसे हैं, ज्ञानी है या अज्ञानी, अब ये बात आएगी। ठीक है, तो पृथ्वी का एक जीव, पृथ्वी का एक जीव ज्ञानी नहीं है, वो अज्ञानी ही है। पृथ्वी का एक जीव को मति ज्ञान श्रुत ज्ञान होगा नहीं, उनकी बुद्धि तो संज्ञा तो है ही नहीं है क्या, बोलो। संज्ञा बुद्धि तो है ही नहीं, तो ज्ञानी तो हुए ही नहीं ना। ज्ञानी आप उसको कहोगे जिसको खुद किसी बात का ज्ञान हो और उसको याद आए या समझ आए, पर पृथ्वी काय को तो आना नहीं है, इसीलिए पृथ्वी काय एकेंद्रिय कोई भी ज्ञानी नहीं है, वो सबके सब अज्ञानी। जो अज्ञानी है वो नियम से दो अज्ञान वाले, तीन भी नहीं। पृथ्वी काय को कभी अवधि ज्ञान भी नहीं होगा, ये याद रखना, हो पाएगा बताओ, हो पाएगा? नहीं, एक ही इंद्रिय है, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो पृथ्वी का एक ज्ञानी नहीं है, वो अज्ञानी ही है, और जो अज्ञानी है वो नियम से दो अज्ञान वाले होते हैं, दो से ज्यादा नहीं, मति अज्ञान और श्रुत अज्ञान, बराबर बराबर। आगे चलो, अब बे इंद्रिय की बात, एक इंद्रिय तो हो गए सब, अब बे इंद्रिय की बात की है, तो बे इंद्रिय कैसे हैं? तो बे इंद्रिय तो ज्ञानी भी होते हैं और अज्ञानी भी होते हैं। देखिए बे इंद्रिय आ जाएगी ना जिसके अंदर दो इंद्रिय, वो आहार के बाद शरीर आ गया, बे इंद्रिय को स्वतंत्र शरीर मिलता है, ये याद रखना। जिनको स्वतंत्र शरीर मिला ना, वो कुछ ना कुछ सोचने की ताकत वाले जरूर होंगे, होंगे कि नहीं? हाँ, वो होंगे ही होंगे। तो ये ज्ञानी भी होंगे और अज्ञानी भी होंगे, बराबर बराबर, बे इंद्रिय वाले। आओ तेंद्रिय की बात, तेंद्रिय भी बेंद्रिय के जैसे ही हुए ना। हाँ, चौरिंद्रिय,
वो भी ऐसे ही। ठीक है, तो अभिनी बोधि ज्ञान और श्रुत ज्ञान, जो अज्ञानी है वो नियम से दो अज्ञान वाले, मति अज्ञान श्रुत अज्ञान, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। अब पंचेंद्रिय तिर्यंच की पृछा की है, तो पंचेंद्रिय तिर्यंच है, संगनी है, तो बोलो ज्ञान है कि नहीं है? है, बुद्धि तो है ही उनके पास, तो ज्ञान भी है, सब कुछ है, तो वो जरूर ज्ञानी है पंचेंद्रिय तिर्यंच। आओ अब आगे की बात करेंगे, नरक की अंतराल गति। देखिए अभी आपका ज्ञानी अज्ञानी हाँ अभी भी बाकी है, पंचेंद्रिय तिर्यंच का हो गया, तो पंचेंद्रिय तिर्यंच में तीन ज्ञान और तीन अज्ञान दोनों हो सकते हैं, राइट? अज्ञानी भी तो हो ही सकते हैं ना, वो खाली ज्ञानी ही वो हो ये तो संभव नहीं है ना, बोलो संभव है? नहीं नहीं। आओ मनुष्य जीव की भांति, उसका वक्तव्य है जीव की भांति उसमें पांच ज्ञान और तीन अज्ञान। मनुष्य में कितना होता है? या तो पांच ज्ञान नहीं तो तीन अज्ञान होगा, तो सब केवली भी होंगे मनुष्य में, होंगे कि नहीं? होंगे। और नहीं होंगे वो तो तीनों के तीनों मिथ्यात्व होंगे, तो तीन अज्ञान आ गया। या तो वो केवली बन गए तो केवली में तो पांचों अज्ञान आ गए, और या वो अज्ञानी बन गए तो उसमें तीनों के तीनों अज्ञान आ जाएंगे, बराबर? हाँ आओ अब आगे की बात करेंगे, नारकी की बात, वाण व्यंतर और नारकी दोनों की बात एक जैसे ही माने है, तो नारकी के जीवों को तो भी तीनों अज्ञान है कि नहीं, बोलो है ना? हाँ उनके भी तीनों अज्ञान ही पड़ा हुआ है। चल आगे जाएंगे, सिद्धों की बात की है अभी, अरे ज्योतिष को और वैमानिक देवों की बात की है, वो रह गया। ज्योतिष को और वैमानिक देव क्या होगा बोलो? नियम से तीन ज्ञान और तीन अज्ञान, कोई कुछ ज्यादा नहीं कुछ अधिक नहीं, नियम से तीन ज्ञान और तीन अज्ञान। नियम से क्यों? नियम से क्यों? क्योंकि नियम से वो अपने आप को वहां से निकाल नहीं पाएंगे, राइट? क्योंकि ज्योतिष देव हैं तो वो मणि और रत्न की का लोभ है, तभी तो उसी में गए हैं। हाँ लोभ, मणि और रत्नों का लोभ है उनको, तभी तो वो वहीं पे उन्होंने जन्म लिया है ज्योतिष देवों में, भ्रमण परायण बने। तो भ्रमण परायण बनने के बाद, ये करने के बाद, जब वो यहाँ से दिमाग से वो बात निकालेंगे तो ही शुभ ख्याल आएगा ना दिमाग में, बोलो? हाँ। नहीं तो आएगा क्या? नहीं तो नहीं आ पाएगा, बराबर? बराबर। तो नियम से दो ज्ञान अथवा दो अज्ञान, उसके साथ ही उनको मानना है, ठीक है? अब उसके बाद सिद्धों की पूछा, बोलो सिद्ध भगवान क्या हो सकते, बताओ? क्या हो सकते हैं? सम्यक ज्ञानी तो है ही सिद्ध भगवान, तो उनको तो पांचों के पांचों ज्ञान आ गए, केवल ज्ञान आ गया तो हाँ उनको पांचों ज्ञान आ गए, तो सिद्ध हमेशा ज्ञानी ही मिलेंगे कि अज्ञानी भी मिलेंगे? मिलेंगे। सोच के बताओ, ज्ञानी ही मिलेंगे या अज्ञानी भी? ज्ञानी ही मिलेंगे, उनका ज्ञान शादी अनंत के लिए खुल चुका है, थोड़े समय के लिए नहीं, बराबर? बराबर बराबर।
तो सिद्ध भगवंत ज्ञानी भगवंत है और वो ज्ञान के साथ वहां पे रह रहे हैं। बराबर आगे मनुष्य की अंतराल गति, उसमें जो जीव विद्यमान है वो कैसा है, ज्ञानी है या अज्ञानी, बोलो। मनुष्य में से निकल गया है, अंतराल गति में है, चौदह राजलोक में कहीं और जन्म लेने से पहले कैसा होगा, ज्ञानी की अज्ञानी? ज्ञानी होगा, ज्ञानी होगा। पर उनको ये जीव को कितना, कौन सा ज्ञान हो सकता है अंतराल में? दो अज्ञान, नियम से दो अज्ञान, क्यों? तीन ज्ञान हो सकता है या नहीं हो सकता है, पर दो अज्ञान तो नियम से है ना, क्योंकि अभी भी अंतराल में घूम रहा है। सीधी बात है। जिनको मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है ना, उनको दो अज्ञान भी है और है, इतना समझ लो। समझ में आया? जिनको सब ज्ञान, तीनों ज्ञान है, और जो अंतराल गति में है उनको नियम से दो अज्ञान है और है, तभी तो वो अंतराल गति में है। बराबर बराबर बराबर। चलो, सिद्ध की अंतराल गति में विद्यमान जीव ज्ञानी है, सिद्ध की अंतराल गति में ज्ञानी है। हाँ, वो ज्ञानी ही है, क्योंकि अब कोई कर्म न आवरण तो बचा ही नहीं। हाँ, अब तो वो सीधा मोक्ष जा रहा है, तो ज्ञानी है तभी ना। हाँ, वो ज्ञानी है तभी, अगर ज्ञानी नहीं होता तो मोक्ष, खाली मोक्ष कहाँ से जाता सीधा, बोलो। नहीं, वो भी भटकता। बराबर। इंद्रियों की अपेक्षा से ज्ञान का हमको वो आवरण हटाना है, इंद्रिय की अपेक्षा से, राइट? उसका, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। चलो, इंद्रिय की अपेक्षा से तो चार ज्ञान, स इंद्रिय जीव जो इंद्रिय सहित है वो ज्ञानी है कि अज्ञानी? अज्ञानी भी है ना? दोनों है, इंद्रिय सहित है तो अज्ञान तो सबसे पहले आएगा ही आएगा, सब में छद्मस्थ में अज्ञान आएगा ही आएगा, मनुष्य तक आएगा तो बाकी के सारे जीवों को तो पहले से ही होगा, बोलो। होगा ना? आओ, अब एक इंद्रिय जीव, वो ज्ञानी है या अज्ञानी? अज्ञानी तो है, अज्ञानी भी है, ज्ञानी भी है, ज्ञान की तो भजना होगी ही होगी उसको अंदर, एक इंद्रिय है ना। हाँ, बेन्द्रिय तेन्द्रिय चौरिंद्रिय को नियम से दो ज्ञान दो अज्ञान। बराबर तो आगे पृथ्वी काय में भी दो अज्ञान दो ज्ञान तो आ ही गया। पंचेंद्रिय जीव स इंद्रिय जीवों की भांति समझना, पंचेंद्रिय में सब इंद्रिय की अलग अलग भांति समझनी है, एक चीज से आप उसका विवरण नहीं कर पाओगे। बराबर। आओ, अनिंद्रिय जीव, बोलो वो ज्ञानी है अज्ञानी? पहले अनिंद्रिय जीव किसको कहोगे? बोलो, अनिंद्रिय किसको कहोगे? हाँ, जीव। हम अनिंद्रिय किसको कहोगे? जिसको एक भी इंद्रिय नहीं है वो अनिंद्रिय, राइट? हाँ। तो एक भी इंद्रिय नहीं है ऐसा संसार में कोई जीव है? नहीं। हाँ, तो सबके सब जीव संसारी जीव है, वो क्या कहा जाएगा? इंद्रिय सहित। तो अनिंद्रिय तो संसार से बाहर कौन है, बोलो?
संसार के बाद मोक्ष। मोक्ष तो जीव तो सिद्ध के हुए ना। हाँ। तो सिद्ध गति के जीव अपने आप अनिंद्रिय हो गए। हाँ। इतना सिंपल लॉजिक है, बोलो। सिद्ध के जीव अपने आप अनिंद्रिय हो गए, ठीक है। तो उनको सिद्ध की तरह समझना पड़ेगा ना, ज्ञान तो है ही, अज्ञान नहीं है। हाँ। सिद्ध के जीवों में ज्ञान है, अज्ञान तो है ही नहीं, ठीक है। आओ। अब आगे है पर्याप्त नारकी, नो सूक्ष्म नो बादर जीव, नो सूक्ष्म नो बादर, वो भी कैसे समझने, बोलो। नो नो सूक्ष्म नो बादर का मतलब क्या? जो जीव नहीं, जो जीव ही नहीं है। बादर भी तो जीव होगा ना, सूक्ष्म नहीं है तो बादर भी, बड़ा भी नहीं और छोटा भी नहीं, तो मतलब वो जीव हुआ ही नहीं ना। हाँ। तो वो सिद्ध गति के जीव की तरह कहेंगे ना उसको। हाँ। उनको सिद्ध गति की तरह ही कहना पड़ेगा ना, संसारी तो है ही नहीं, नहीं। क्योंकि ना सूक्ष्म है ना बादर है, तो ऐसा तो संसारी जीव को तो सूक्ष्म या बादर दो में से एक तो होना ही है ना। हाँ। तो ये जो जीव है ना, नो सूक्ष्म नो बादर, वो अपने ये जीव के उस लिस्ट में वो आएंगे ही नहीं। समझ में आया? हाँ। तो नो नो बादर, नो सूक्ष्म वाले जीव सिद्ध के ही जीव कहलाएंगे। सिद्ध गति के ही जीव नो बादर नो सूक्ष्म है कि नहीं? हाँ। बस तो उसी को देखकर हम आगे चलेंगे। बराबर बराबर। बोलो, कोई प्रश्न? नहीं, ठीक है, चलो आगे जाए। अभी आगे चल। अब सूक्ष्म बादर की बात, बोलो। सूक्ष्म जीव ज्ञानी है? सूक्ष्म जीव, एक शरीर में बहुत सारे, उनको नहीं है ज्ञान। हाँ। उनको तो उनका तीनों ज्ञान अज्ञान है, बराबर। अब पृथ्वी का एक जीव जिनको एक शरीर तो मिला ना। हाँ। एक शरीर को एक शरीर, एक जीव को एक शरीर मिला ना। हाँ। एक कंकर हो या वो हो, एक पत्थर का टुकड़ा हो बड़ा, उसको इसमें बहुत सारे जीव पर वो तो शरीर तो है ही। हाँ। आओ। बादर जीव भी क्या ज्ञानी है? तो सकायिक जीव आ गए बादर में, तो पृथ्वी का एक छोटे से कण में अनंत जीव होंगे ना, तो वो ज्ञानी नहीं है, क्योंकि जिनको खुद अपना ही शरीर नहीं है वो ज्ञान को बनाएगा कैसे? वो अपने शरीर ही नहीं है तो इंद्रिय का उपयोग करके वो अपने आप सोचेगा भी कैसे, बताओ? नहीं, वो सोच ही नहीं पाएगा। एक जीव वाला ने होई। हाँ, बाकी एक जीव स्वतंत्र जीव वालों तो विचार ही सके ना, इनू शरीर से विचार ही सके नहीं। ये विचार ही सके, ठीक है। पर्याप्त जीव, सकायिक जीव, सकायिक मतलब काया सहित, तो पर्याप्त जीव वही हुआ। हाँ, तो जो सकायिक जीव है तो उनको तो ज्ञान है ना, है। और नो सूक्ष्म नो बादर जीव, वो तो सिद्ध की भांति वो हो गया। अब सकायिक जीवों की बात हो रही है, पर्याप्त जीव, तो बिल्कुल सकायिक जीव हुए। हाँ। जो जीव ने पर्याप्ति पूरी की वही सकायिक आएगा, राइट, बाकी के नहीं। आपने पर्याप्ति पूरी की है तो आप काय सहित हो गए, हो गए ना। हाँ, हो गए। अब पर्याप्त नारकी के जीव, नारकी के जीव लेकिन पर्याप्त है, तो तीन ज्ञान और तीन अज्ञान होंगे ना। उनको तो दो नहीं, उनको तीन होंगे, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, विभंग ज्ञान। तो ज्ञान भी हो सकते हैं और अज्ञान भी हो सकते हैं।
अज्ञान कैसे है, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और विभंग अज्ञान, बराबर। इसी प्रकार सनत कुमार से लेके स्तनित कुमार तक की व्यक्तव्यता भी नारकी की तरह ही समझना है, ठीक है। पर्याप्त पृथ्वी का एक जीव की भी व्यक्तव्यता एक इंद्रिय की तरह समझना है, एक इंद्रिय की तरह। तो एक इंद्रिय से लेके पर्याप्त चौर इंद्रिय तक आ गए सब जीव। हाँ, अब पंचेंद्रिय की बात की है, उसमें तीर्यन जीव नहीं, तो ज्ञान है कि अज्ञान है बोलो। ज्ञान तो है, ज्ञान तो है, अज्ञान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अपर्याप्त नारकी का जीव क्या ज्ञानी है या अज्ञानी है बोलो, अपर्याप्त जीव की बात करो। अज्ञानी है। क्यों? पर्याप्ति पूरी नहीं की अभी तक। हाँ। इसलिए ना। हाँ। उसने अभी तक कोई अपनी पर्याप्ति पूरी नहीं की, इसीलिए। चलो आगे। पृथ्वी काय से लेके वनस्पति काय तक एक इंद्रिय की भांति ही ये स्तनित कुमार की भी समझनी है। आओ, अब बे इंद्रिय की बात है। दो ज्ञान दो अज्ञान नियम से है, कितने है? दो ज्ञान और दो अज्ञान, वो नियम से है, उसमें कोई बदलाव आएगा नहीं।